नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था शुरू के वैदिक आर्य जीने के जोश में ही इतने मगन थे कि उन्होंने आत्म की ओर कम ध्यान दिया। सबसे अहम तसव्वुर था धर्म, जो मजहब या संप्रदाय से बढ़कर जिंदगी निभाने का तर्ज था, यानी अपने और दूसरों के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना। सारा ब्रह्मांड ऋता के नियमों पर कायम था और धर्म इसी का एक हिस्सा था। धीरे धीरे भगवान का विचार पनपा, ख्यालों ने अजीब उड़ान ली, प्रकृति के रहस्य सुलझाने की कोशिश की गई और जिज्ञासा की भावना उजागर हुई। वेदांत यानी वेदकाल के अंत तक आते आते उपनिषद को शक्ल दी गई। 8वीं सदी ईसा पूर्व से रचे गए उपनिषदों ने हिंद आर्य चिंतन के विकास को कई कदम आगे बढ़ाया। इस समय तक आर्य कई इलाकों में बस चुके थे और उनकी खुशहाल तहजीब की जड़ें पुख्ता हो चुकी थीं। जब बड़े बड़े शहरों पर केंद्रित राज्यों ने पुराने कबायली समाज की जगह लेना शुरू किया तो मगध और कौशल साम्राज्यों ने अपनी मजबूत सेनाओं की मदद से व्रजी और लिच्छवी जैसे गणसंघों के वजूद को मिटाना शुरू कर दिया। इस बदलाव का असर रीति रिवाजों पर भी हुआ। नई नागरिक संस्कृति में खेतीहर समाज के पशु बलि, पशुदान और अन्नदान जैसे वैदिक अनुष्ठानों के लिए कोई जगह नहीं रही। पुरोहितों के तौर तरीकों और वैदिक देवताओं पर विश्वास कम हुआ, उनका मजाक तक भी उड़ाया जाता। लेकिन इसके बावजूद अतीत से पूरी तरह कटने की कोशिश नहीं की गई। अतीत को तरक्की की पहली सीढ़ी माना गया है। उपनिषदों में आत्मबोध पर जोर दिया गया है, जो खुद को और ब्रह्म को पाने का साधन है। वाश्वस, अच्छा हो अब अगर तुम कुछ दान धर्म कर डालो, उससे रोग का परिहार होगा। दान धर्म? पर मैं दूं क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जो दान कर सको कर दो, उससे यदि रोग से मुक्त नहीं भी हो पाओगे तो भी स्वर्ग पाओगे। ओ मां पवित्रो पवित्रो वा सर्वा सांगतो पिवा
यस्मरेत पुनरीकाक्षाय सवाहिभ्याम तरस्वची। अब यजमान जो भी दान में देना हो अपने मुंह से कह दो। बेटा बेटा, त्याग और दान करने से पुण्य मिलता है। हम भिखारी तो है नहीं कि इतना भी ना कर सके। ठीक है, औपचारिकता ही सही। सारी गायें दान में दी। आयुष्मान, नचिकेता, वो सारी गायें ले आओ जो दूध नहीं देती। काफी संख्या है उनकी। पिताजी, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जो इतनी दुर्बल है कि न चारा खाती है न पानी पीती है, क्या उन्हें दान में देकर आपको पुण्य मिलेगा? चुप रहे मूर्ख कहीं का। पिताजी, आप पुण्य पाने के लिए गाय दे रहे हैं ना? तो उन गायों के स्थान पर आप मुझे ही दे दीजिए। दूर हट यहाँ से, निकल जा। पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे किसे देंगे। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। पिताजी, आप मुझे बताइए, आप मुझे दान में किसे देंगे? सुना नहीं तुमने? निकल जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। पिताजी, मैं फिर भी जानना चाहता हूँ आप मुझे दान में किसे देंगे। किसे दूंगा जानना चाहता है तू? तो सुन निकम्मे, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। जा रहा हूं मैं, अनेक के आगे अनेक के बीच। क्या हो सकता है आज यमराज का काम जो मेरे कारण पूरा होगा? जो कल जिंदा थे वह आज नहीं है, जो आज जिंदा है वह कल नहीं रहेंगे। करण धर्मा मनुष्य अनाज के दाने की तरह पकता है, जर जाता है और दोबारा पैदा होता है। धर्मराज, कृपा करें, यह गरीब ब्राह्मण पुत्र नचिकेता 3 दिन और 3 रात से भूखा प्यासा आपके द्वार पे खड़ा है। महाराज, जो ब्राह्मण अतिथि का सत्कार नहीं करता उसका पुण्य लुट जाता है, उसका भविष्य मिट जाता है, उसकी संतान, उसकी संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाती है। नचिकेता, तुम हमारे अतिथि हो, हम तुम्हारा 3 दिनों तक कोई स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत दुख है। हम तुम्हें 1 दिन के लिए 1 वरदान के हिसाब से 3 वरदान देते हैं, मांग लो। यमराज, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटकर उनके चरणों में जाऊं वह प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करे। तथास्तु। प्रभु, आप स्वर्ग साधन अग्नि के जानकार हैं, मैं श्रद्धालु हूं, कृपया मुझे इसका ज्ञान कराइए। नचिकेता, मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। यह अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है, सभी प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, इसे लोग नचिकेता अग्नि कहकर पुकारेंगे। अब 3रा वर मांगो। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है,
तो कुछ कहते हैं वे नहीं है, मुझे बताइए सत्य क्या है? है और नहीं का ये विवाद पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो, इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। महाराज, इस विषय के जानकार आप ही हैं, आप ही समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस वर के सामने दूसरा वर है भी तो नहीं। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो, 100-100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो, हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज, तुम कुछ और मांग लो, मृत्युलोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे, पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा, जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए, मृत्यु का रहस्य खोलकर समझाइए। नचिकेता, इसके दो ही रास्ते हैं, एक श्रेय का, आनंद का, और दूसरा क्षणिक सुख का। दोनों ही मनुष्य को आकृष्ट करते हैं, पर विचारवान मनुष्य सभी दृष्टियों से सोच समझकर क्षणिक सुख को नहीं श्रेय को ही चुनता है। नचिकेता, तुमने सोचा है, समझा है, सुंदर और प्रिय का गहराई से निरीक्षण किया है और उन्हें त्याग दिया है। तुम धन और ऐश्वर्य के मोह जाल में नहीं फंसे हो, जैसा कि बहुत से मनुष्य उसमें डूबते हैं और नष्ट हो जाते हैं। नचिकेता, मुझे बहुत संतोष है कि तुम सत्य में निष्ठा रखते हो। मैं कामना करता हूं कि मुझे वैसा ही प्रश्नकर्ता मिले जैसा कि तुम हो। महाराज, वो क्या है जो धर्म और अधर्म से अलग, कर्म और त्याग से परे, भूत और भविष्य के उस पार है? नचिकेता, जिस पद और लक्ष्य की महिमा वेद गाते हैं, जिसके लिए तपस्या की जाती है, जिसके लिए मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है, गहन अध्ययन करता है, वो एक ही शब्द में समाया हुआ है। वो शब्द है ओम। ये शब्द ही ब्रह्म है, यही परम है। जो इसे जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे बड़ी उपासना है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अजन्मा है, अमर है, सनातन है, नित्य है, पुरातन है। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूं और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूं, तो दोनों ही ना समझ है, दोनों अज्ञानी है। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। नचिकेता, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म का रहस्य बताता हूं, आत्मा की उस अवस्था के बारे में बताता हूं जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है, अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। भले ही हम नींद में हो, पर यह आत्मा हमेशा जागती रहती है और हमारे लिए एक अद्भुत स्वप्न की दुनिया रच देती है। नचिकेता, वास्तव में तेजोमय ब्रह्म ही अमृत कहलाता है। समूची सृष्टि इसी ब्रह्म में स्थित है, इससे परे कुछ भी नहीं। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त
उसी पर निर्भर करता है तो उसका शोक जाता रहता है। नचिकेता, इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृतत्व कहते हैं। उपनिषद आधारित हैं तहकीक के जज्बे पर, जहन की जद्दोजहद पर, हकीकत के सुराग की जुस्तजू पर। हवा एक जगह क्यों नहीं रहती, बहती क्यों है? इंसान के दिमाग को आराम क्यों नहीं मिलता? पानी क्यों और किस चीज की खोज में बहता है? उसका बहाव घड़ी भर के लिए भी क्यों नहीं रुक सकता? मगर इस तलाश में एक बड़प्पन है। ये तलाश माहौल पर जहन की फतेह की निशानी है। एक स्तुति में सूर्यदेव को यूं मुखातिब किया गया है, तेजोमय गौरवशाली सूर्य, मैं वही हूं जिसने तुम्हें यह बनाया है। इसमें कितना आत्मविश्वास है। उपनिषद में सवाल है, सृष्टि क्या है, वो कहां से आई है, वो कहां जाके विलीन हो जाएगी? और जवाब ये कि वो स्वयंभू है, स्वाधीन जन्म लेती है, स्वाधीन उसकी स्थिति है, और स्वाधीन विलय हो जाती है। उपनिषद खुद पुरोहितवाद और रूढ़िवादी अनुष्ठान के खिलाफ थे, लेकिन उपनिषद के सिद्धांतों का उस समय के अवाम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस तरह जनता और बुद्धिजीवियों का दिमागी फासला और भी बढ़ गया। नतीजा था कई नई विचारधाराओं का जन्म, नास्तिकता और पदार्थवाद की एक जबरदस्त लहर। उपनिषदों के बाद उभरने वाले पदार्थवाद का तमाम साहित्य अब हमारे पास नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ उन्हीं किताबों में मिलता है जिनमें इसकी निंदा की गई है और इसे गलत ठहराया गया है। कृष्ण मिश्र ने चार्वाक के सिद्धांतों पर प्रबोध चंद्रोदय नामक एक प्रहसन लिखा है, जिसमें व्यंग भरी आलोचना का यही पुट हमें दिखाई देता है। लोकायत शास्त्र, जो चार्वाक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सबको मालूम है। यह शास्त्र प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है, इंद्रियों के सत्य को ही एकमेव सत्य मानता है। धरती, वायु, तेज, जल और आकाश ही केवल ऐसे तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनी है। मनुष्य का पुरुषार्थ अर्थ और काम है। ये सब कुछ वाचस्पति ने लिखा और चार्वाक को सौंप दिया, और चार्वाक ने इस तंत्र को अपने शिष्यों की सहायता से प्रचारित और प्रसारित किया। आचार्य, यदि भूख और प्यास मिटाना ही पुरुषार्थ है तो लोग क्यों संसार के सुखों को त्याग देते हैं? क्यों वे कठिन से कठिन व्रत और उपवास करते हैं? क्यों वे जानबूझकर अपने आप को कष्ट देते हैं? क्योंकि वे मूर्ख होते हैं, शास्त्र उन्हें धोखा देते हैं और वह मुक्ति के लोभ में अंधे हो जाते हैं। वत्स, भीख मांगना, व्रत उपवास करके देह सुखाना, पंचांग तपस्या करके शरीर को जलाना, ये सब बराबरी कर सकता है किसी विशाल लोचना के घने आलिंगन से? वह आलिंगन जब बाहों के तले उन्नत स्तन बिंचते चले जाते हैं। बोल आचार्य, लोग बलि और हवन क्यों करते हैं? क्यों वेदों में विश्वास करते हैं? नादानों का पोंगापन यही होता है वत्स। सारे वेद पाखंड हैं। यदि बलि और हवन में वस्तुओं को सोहा करने से स्वर्ग प्राप्त होता है तो उन पेड़ों की राख से फल क्यों नहीं निकलते जो जंगल की आग में जल जाते हैं? यदि बलि का पशु सीधा स्वर्ग पहुंचता है तो लोग अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? यदि पिंड दान से मृत आत्मा का पोषण होता है
तो तेल डालने से बुझी हुई बाती जल क्यों नहीं उठती? इसी तरह का एक और संप्रदाय था आजीविका, जिसका बौद्धों और जैनियों से अक्सर मतभेद रहता था। ये लोग नियतिवादी थे। इनके गुरु मक्काली गोशाला के अनुसार सारा जीवन नियति के आधार पर ही चलता है। आदमी की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, भाग्य का दर्जा सबसे ऊंचा है। किसी व्यक्ति या दूसरों के द्वारा किया गया कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कि मनुष्य के पुनर्जन्म को प्रभावित करता हो। कोई भी मानवीय कर्म शक्ति, वीरता, शौर्य, सहिष्णुता या मानवीय साहस ऐसा नहीं है जो जीवन में मनुष्य की नियति को प्रभावित कर सके। अपरिपक्व कर्म से फल की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, और ना अथक कर्म से ही। जो सदाचार, प्रणी, तपस्या और पवित्रता से ही परिपक्व हो गया हो, संसार एक नपने के समान अपने सुख दुख और निर्धारित लक्ष्य से नापा जा सकता है। जिस तरह एक डोरी की गेंद को फेंकने पर वो अपनी पूर्ण लंबाई में खुल जाती है, उसी तरह मूर्ख और बुद्धिमान एक ही मार्ग को ग्रहण करते हुए अपने दुखों का अंत करते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे लिए अंतिम उपदेश क्या है? नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होता, और कुछ भी न होना, और कुछ भी न होना, नहीं कुछ है। कबायली समाज की परंपराओं से जुड़े हुए गोशाला पर उस समय के अंतिम महान कबायली गणराज्य व्रजी संघ के पतन का बहुत गहरा असर हुआ। वो सर्वनाश की बात करने लगा। दरअसल उसके लिए व्रजियों के बिखरने का मतलब था एक आदिम परंपरा का टूटना। गोशाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलपन के आलम में मर गया। हालांकि बौद्ध और जैन संप्रदाय एक हद तक वैदिक धर्म से ही उपजे थे, लेकिन दोनों मत उससे अलग माने जाने लगे। उन्होंने वेदों की सत्ता को नकारा और परम ब्रह्म के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया और ब्रह्मचारी भिक्षुओं की परंपरा को अपनाया। उनके तर्ज फिक्र में एक हद तक यथार्थवाद और तर्क नीति है। जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत यह है कि सत्य सापेक्ष होता है। जैन मत में नैतिकता पर जोर दिया गया है, जो इस दुनिया तक महदूद है, जिसका स्वर्ग नरक से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें विचार और जीवन दोनों में त्याग पर खास जोर दिया गया है। एक हद तक भारतीय संस्कृति पर जैन धर्म ने भी उतना ही गहरा असर छोड़ा जितना के बौद्ध धर्म ने। भारत के तमाम धर्मों की तुलना में जैन धर्म ने हमेशा से अहिंसा और सादगी पर अधिक जोर दिया है। धरती, जल, हवा, अग्नि, पेड़ और पौधे, घास फूस, पत्ते, कीड़े मकोड़े, प्राणी हैं सब, सब जीवित प्राणी हैं। वे जो गोबर में उगते हैं, जल में पलते हैं, अंडे से उभरते और गर्भ से निकलते हैं, प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं। जानो सज्जनों, जानो के सबको जीना है, सुख पाना है, जीवन के अमृत को पीना है। प्राणी को कष्ट न दो, दोगे तो स्वयं तुम भी कष्ट पाओगे, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आना है तुमको भी उनमें ही जन्म पाना है।
जीने दो, प्राणी को जीने दो, प्राण लिए जीने दो, जीवन के अमृत को पीने दो। जैनियों के 24वें तीर्थांकर महावीर वर्धमान गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोनों ही कबायली गणतंत्रों के राज सदस्य थे। महावीर लिच्छवी कबीले के ऊंचे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। 30 वर्ष की आयु में घरबार त्याग कर वो गंगा घाटी के इलाके में 12 साल तक घूमते रहे, जिसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने करीब 30 साल तक अपने सिद्धांतों की शिक्षा दी और दिगंबरों के एक संयमी संघ की स्थापना की, जिसमें उन्हें आम जनता का भरपूर समर्थन मिला। जैन धर्म से मिलने वाले सबक को एक जुमले में यूं बयान किया जा सकता है, वास्तविक जीव पदार्थ में उलझी आत्मा है। पदार्थ से मुक्ति पाने पर ही जीव को मोक्ष मिल सकता है। आत्मा की मुक्ति के लिए दुष्कर्म के बंधन से छुटकारा पाना जरूरी है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन तपस्वी लंबे उपवासों और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। ऐसा संयोग है कि ये सब मैं आज बैसाख पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूं। बौद्ध युग के सन 2488 का पहला दिन है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, आज ही के दिन बुद्ध पैदा हुए और सालों बाद इसी दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध की कहानी की कशिश मुझे बचपन से ही रही है। युवा सिद्धार्थ के अंदरूनी संघर्ष और जद्दोजहद ने मुझ पर गहरा असर डाला। वो क्षत्रिय थे, एक शाही खानदान के राजकुमार। माँ बाप ने उन्हें ऐशो आराम में पाला पोसा, उन पर दुख दर्द की छाया भी नहीं पड़ने दी। लेकिन ऐसा कब तक रहता? कहते हैं कि जब उन्होंने संसार में दुख, गरीबी और मृत्यु को देखा तो वो बहुत बेचैन हुए। चना रोको, वो क्या है? दिखता तो आदमी की तरह है पर उसके बाल सफेद हैं, दांत नहीं है, गाल ठंस गए हैं, पीठ झुक गई है। ये कैसा मनुष्य है? एक बूढ़ा मनुष्य है। ये एक लंबे समय से जीवित है, इसीलिए थक गया है युवराज। पर इसमें निराशा की बात नहीं है, एक ना एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे। सब बूढ़े हो जाएंगे? यशोधरा, तुम और मेरे सभी युवा साथी, और मैं भी एक दिन उसके समान दिखने लगूंगा। हाँ युवराज, हर किसी की यही नियति है। ये एक असाधारण घटना है या सभी के साथ ऐसा होता है? कोई भी रोगी हो सकता है स्वामी, परंतु यदि मनुष्य भोजन में सावधानी बरते, सफाई से रहे और कसरत करे तो वो स्वस्थ बना रह सकता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है? दुर्बलता और बुढ़ापे को देखकर दिल दहल गया है, और अब पता चला है कि इस आदमी की तरह हर कोई इस बुरी दशा में पहुंच सकता है। स्वामी, मृत्यु जीवन का अंत है। जब बुढ़ापे और दुर्बलता के कारण शरीर और अधिक नहीं चल पाता तो वह मर जाता है। कई रोगों के कारण भी शरीर नष्ट हो जाता है, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जीवित है वो देर या सवेर मरेगा ही। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अलावा इसके कि लंबी आयु की आशा करें।
ये कौन है? मनुष्य है या देवता जो वहां शांत सा अलग बैठा है, जैसे संसार के सुख दुख से कोई वास्ता ही नहीं? वो एक सन्यासी है युवराज। ये वो व्यक्ति है जिसने देखा है कि कैसे रोग, बुढ़ापा और मृत्यु सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसने संसार से संन्यास ले लिया है। इसका कोई घर नहीं है, ये वनों में रहता है, गुफाओं में रहता है। भिक्षा में हर दिन इसे सादा भोजन मिल जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करता रहता है और लोगों को बताता है कि कैसे एक अच्छा जीवन जिए और सुखों की प्राप्ति करें। Thank you.
आपके बिना मैं महल में कैसे रह सकूंगा युवराज? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं चन्ना, वस्त्र और आभूषण मेरे पिता को दे देना, और माँ और मेरी पत्नी से कहना कि वे चिंता न करें। मैं बुढ़ापा, रोग और मरण से मुक्ति के उपाय की खोज में दूर जा रहा हूँ। जैसे मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं महल लौट आऊंगा और अपने पिता, अपनी माता, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और दूसरे सभी लोगों को उसकी शिक्षा दूंगा। तभी सब लोग सच्चे अर्थों में सुखी होंगे। इन सवालों से वो एक लंबे अरसे तक जूझते रहे। कहा जाता है कि सालों के चिंतन के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई। फिर काशी के पास एक उपवन में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तपस्या कर तथागत को निर्वाण नहीं पाना है और सांसारिक सुखों में भी नहीं डूब जाना है, ना अधिकता और न ही अभाव। तथागत ने खोज लिया बीच का पथ। मध्यमास त्यागो या नग्न बने घूमो, मुंडन कर रहो या जटाजूट बढ़ाओ, पहनो चाहे कपड़ा मोटा छोटा, बदन हो चाहे राख से लपेटा, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे। वेद पाठ करना, दान दक्षिणा देना, देवता के नाम पशु की बलि देना, अमरता पाने को बर्फ या आग से देह को दंड देना, ये सब करके भी शुद्ध नहीं होगे, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे। क्रोध पाप है, पाप मद्य पीना, अठवादी धर्मांध होना, धोखा है पाप, जलना कोड़ना पाप, अपनी प्रशंसा पाप, पर निंदा भी पाप, पाप है दुराकांक्षा, सब दूषण नहीं केवल मांस भक्षण। भिक्खुओ सो
सुनो, मैं तुम्हें मध्यम मार्ग बताता हूं, अधिक और अभाव के अतिवाद से बचने की राह दिखाता हूं। उस शाम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। भिक्खु शुद्धशील हैं बनी तीलियां धम्म चक्र की, न्याय बुद्धि है परिधि चक्र की, हाल विवेक, मननशीलता और नम्रता नाभि, टिकी है जिस पर धुरी सत्य की, दुखमय है जीवन आंसू का सागर, रोग बुढ़ापा असंतोष और अटलता मृत्यु की, मृत्यु के सतत बोध की, दुख की माता तृष्णा, नश्वर जग से ऐसे जुड़ना जिससे दुख का हर प्रहार पड़ता है सहना, सांसारिक इंद्रिय सुख की तृष्णा, जाते जाने की अनरुक तृष्णा, दुख का अंत देखने की झूठी तृष्णा, दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब मिट जाती है तृष्णा। जान गया कुंडन्य, समझ गया, पहचान गया कुंडन्य। भिक्खु जो मनुष्य होता है निपट अकेला, और अकेले ही वह सत्य मार्ग पर चलता है, वो गलती से पहली वाली लीक पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भिक्खु एक साथ तुम रहो, एक दूसरे को सहयोग सतत देते रहो, एक दूसरे के प्रयास को शक्ति युक्ति दो, फैलाओ ये सत्य और सिद्धांत विश्व के कोने कोने में। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम दुनिया के हर एक कोने में जाकर ये उपदेश दो, लोगों से कहो कि अमीर और गरीब सब एक हैं, जिस तरह सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं उसी तरह हमारे धर्म में सब जातियां एक हो जाती हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं है, उसे सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। आपसी सद्भाव और परोपकार, यही उनका संदेश था। उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम एक अंगुली माल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान, कहते हैं कि वह ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वह एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने अपराधी जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते। वहीं रुक जाओ भिक्खु, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भिक्खु दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। ए साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत? मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिप कर मुझे देख रहे हो
और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खू कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खू चाहता है। पक पक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? तुम स्वयं एकांत में रहने वाले हो, पीड़ा और अपमान के बारे में तुम जानते ही क्या हो। शायद उतना नहीं जितना तुम जानते हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल ये नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत, आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसुओं और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बनाकर रखी थी, अपने भय बंद करके छिपा के रखे थे। तुम पास आए और अपने कुछ शब्दों और एक स्पर्श से ही उस दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ही संसार से भाग आया था, किंतु तुमने उसे नष्ट कर दिया। कैसे जीवित रहूंगा अब मैं? कहां जाऊं अब मैं? मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं। मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। आप हैं भगवान? मेरी रक्षा अब कहीं नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं जितने कोई दो जीवन में भी नहीं कर सकता। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्खु नियुक्त करता हूं। ये एक नया जीवन है, नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने का अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा। लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता है। तुमने जो हत्याएं की हैं, ये उन्हीं का फल है। सभी पीड़ाओं के कारण तुम ही हो। तुमने जो कर्म किए हैं, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक जीवन चलता रहता है, कर्मों के फल भी मिलते रहते हैं। क्या तुम्हारे भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस है? हां भगवान, जिस नरक में मैं जी रहा था, उससे तो कोई भी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। महावत अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पाता है, किंतु भगवान बुद्ध दया से। Huh?
और मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी ख्याल और अमल के दो धारे हम साथ साथ बहते पाते हैं, जिंदगी को स्वीकारना और उसे त्यागना। कभी एक नजरिए का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का। मुझे लगता है हिंदुस्तानी तहजीब ने कभी मुकम्मल तौर से जिंदगी को नकारने के फलसफे को नहीं अपनाया, हालांकि उसके कुछ विद्वानों ने जरूर ऐसा किया। क्या बौद्ध धर्म निराशावादी और उदासीन था? जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता हूं, मुझमें ऐसी कोई भावना नहीं उभरती। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई निराशावादी और उदासीन धर्म इस कदर करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर सकता है। महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति, जिसे अनगिनत मुरीदों ने मुख्तलिफ पहलुओं से पेश किया है, हिंदुस्तानी फलसफे की आत्मा सी लगती है। महात्मा बुद्ध कितने शांत नजर आते हैं, भाव शून्य, क्रोध और अभिलाषा से मुक्त। मगर फिर से गौर करके देखें तो इस स्थिर अचल चेहरे में छिपे जज्बात और संवेदना दिखने लगते हैं, जो हमारी संवेदनाओं और जज्बातों से ऊंचे और अजीम हैं, और उनकी आवाज हमारे कानों में गुनगुनाने लगती है कि संघर्ष से मुंह न मोड़ो, बल्कि शांत भाव से उसका सामना करो और जीवन में विकास और तरक्की की राहें खोजते रहो। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।